हेलो जी, नमस्ते। आज लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना जी, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जी, ताकि मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, अगर आप सुबह सुबह बच्चों को बनाकर देखोगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये साबुत मूंग ले लिए और इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे मूंगों को, और ये छिलके से ही मैंने साबुत मूंग लिए। तो इसको रख दूँ कि साइड में, और इसमें डालने वाले थोड़े बहुत और भी कुछ मैं डाल रही हूँ तो बता देती हूँ। दो उबले हुए आलू, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और दो मैंने प्याज ले लिए। इसको भी हम इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छे से बन जाएगा और बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो मैं पीस लूँगी ये मूंगों को अच्छे से, बारीक से, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं, हल्का हल्का सा थोड़ा दरदरापन रखेंगे इसमें, ज़्यादा मोटा भी नहीं बारीक भी नहीं, जिस तरीके से पीस लेंगे जैसे सूजी नहीं होती वैसे ही, इतना मोटा होना चाहिए सूजी जैसे। और इसमें डाल दूँगी मैं सबसे पहले आलू इस तरीके से तोड़कर बारीक बारीक बिल्कुल। बहुत ही हेल्दी होता है ये, आप बच्चों को ज़रूर दे सकते हो ये सप्ते में एक या दो बार। और हरी मिर्ची प्याज को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया धनिए को, और इसको भी डाल देंगे हम इस मिक्सर में। और इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक। अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा सा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, जैसे जी चम्मच आप मैं इसको मिक्स करिए, जो खाने वाला चम्मच होता है ना वो चम्मच, एक या दो चम्मच आप पानी के डाल सकते हो अपने हिसाब से। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा बनता है ये इस तरीके से। अगर इससे भी ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। तो इधर मैंने तवा रख दिया गैस पर, इसको हल्का सा गर्म कर लिया मैंने, इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल, और फिर इसमें हम डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाई है, इस पेस्ट को डालेंगे मूंग के पेस्ट को, एक चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं। और इसको इस तरीके से फैला लेंगे अच्छे से, और गोल गोल रोटी के जैसे फैला लेंगे और इसको रोटी का आकार दे देंगे। इस तरीके से अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल सकते हो हरी मिर्च की जगह, या फिर हरी मिर्ची की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हो, जैसे आधी मिर्ची डाल दी या फिर एक डाल दी। तो मैंने फैला दी इसको अच्छे से, और इसको ढककर मैं 30-40 सेकंड के लिए ढककर पका लूँगी, और फिर इसे ढक्कन को हटा दिया 30-40 सेकंड के बाद। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल, और इसको पलट देंगे हम अभी इस तरीके से। ऊपर की साइड भी थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए, और फिर 30-40 सेकंड मैंने पका लिया, फिर से ढक्कन को हटा दिया, और इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा घुमा के पलट दूंगी। तो ये पककर एकदम तैयार हो गया मूंग दाल का एकदम हेल्दी नाश्ता। ये देखो कितना अच्छे से पका, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया। तो मैं फिर से दूसरा और पका रही हूँ, इसमें मैं लगा दिया तेल, और सबको सारे मिक्सर को मैं इसी तरीके से पका लूंगी एक एक कर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है, और शरीर के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है ये नाश्ता। तो इस तरीके से मैं सबको पका लूंगी पूरे मिक्सर के।
तो इसको भी मैंने इस तरीके से ढककर, और अभी ढक्कन को हटा दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दूंगी, इसको पलट लूंगी इस तरीके से पलटे की सहायता से। और ये पलट दिया मैंने, इस पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको फिर से ढककर थोड़ा सा पका लेंगे। आप चाहो तो बीच में चेक कर सकते हो, और गैस को बिल्कुल मीडियम पर ही रखना, ज़्यादा फुल नहीं करना चाहिए इस टाइम। तो ये देखो दूसरा वाला भी हमारा इस तरीके से पककर हो गया तैयार, और ये सारे मैंने बना लिया इसी तरीके से, और ये खा रहे हैं हम तो दही के साथ। आप अपने हिसाब से दही चटनी किसी के भी साथ खा सकते हो, टमाटर सॉस के साथ या किसी सब्जी के साथ।